जब कभी भी बारिश आती है तो हमें हमारे जो डैम है उससे पानी छोड़ना पड़ता है, और हम टीवी पे तो हमेशा सुनते हैं कि इतना क्यूसेस पानी छोड़ दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपने देखना चालू कर दिया है हमारी यूट्यूब चैनल अंजनी एकेडमी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ फ्लो, और एक वीडियो हमने इससे पहले ही बना दी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्चार्ज। तो मैंने जो पहले बताया कि कभी भी जब आप टीवी पे सुनते हैं कि इतना इस डैम से इतना क्यूसेस पानी छोड़ दिया, तो क्या रहता है, वो फ्लूइड का नापने का एक तरीका होता है, ठीक है। सिमिलरली तो ये फ्लूइड नापने का एक तरीका है, तो उसको डिस्चार्ज भी कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे फ्लूइड को नापा जाता है। जैसे कि आपके पास ये पाइप है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे कुछ फ्लूइड पास हो रहा है, तो इससे कितना फ्लूइड पास होगा ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें डिस्चार्ज का फॉर्मूला मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला? तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर ये पाइप से अगर फ्लूइड जा रहा है तो इसका एरिया आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर इसकी डायामीटर डी है तो एरिया का क्या आएगा, एरिया इज़ पाई बाय 4 d² और पाई आर स्क्वेयर। और इसको अगर आप वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें डिस्चार्ज मिल जाता है, जिसको आप रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज भी बोलते हैं। तो पहला टर्मिनोलॉजी आज हम जो सीखने वाले हैं वो है रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू अ सेक्शन ऑफ पाइप और चैनल। तो आप चैनल ले सकते हैं, गेट ले सकते हैं, जो भी। अभी मैंने जो एग्जाम्पल बताया वो पाइप था, तो आप स्क्वेयर चैनल, रेक्टेंगल चैनल, कोई भी शेप का कोई भी डिवाइस आप ले सकते हैं कि जिसके थ्रू फ्लूइड फ्लो होता होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टेट द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आपको एक पाइप दिखाया गया है जिसके दो सेक्शन हैं, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन। तो आपको पूछा गया है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को बताइए। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब क्या कि जो फ्लो रेट, अभी हमने पहले फ्लो रेट पढ़ा है, डिस्चार्ज पढ़ा है, जो फ्लो रेट पाइप के सेक्शन वन में है, देखो जितना पाइप में आप पानी डालेंगे एक इनपुट में उतना ही आउटपुट में आएगा अगर पाइप लीक नहीं है। जैसे अगर सरकार से कोई सब्सिडी आती है, सरकार ने अगर किसी फार्मर को 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, तो अगर अंदर लीकेज नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो वो 1 लाख रुपए किसान तक आ सकते हैं। अगर अंदर लीकेज है तो नहीं आएंगे। सिमिलरली कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, अगर इनपुट में 100 है तो आउटपुट में 100 आना चाहिए। मतलब जितना मास फ्लो रेट इनपुट में है उतना मास फ्लो रेट आउटपुट में चाहिए। तो नीचे यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यम वन डॉट डॉट इंडिकेट मास फ्लो रेट, मतलब कितना मास पर सेकंड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का फॉर्मूला क्या आएगा, फिर रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और तो अगर मास फ्लो रेट आएगा तो वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा, ठीक है। तो मास फ्लो रेट हमने फॉर्मूला देखा, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो इंटू डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला हमने पहले ही देखा है, क्या फॉर्मूला है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या आएगा, रो ए वी, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर दोनों, अभी फ्लूइड का अगर डेंसिटी सेम रहा तो क्या होगा, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टोटल एनर्जी इन अ फ्लूइड। अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें टोटल एनर्जी कितनी रहती है? तो याद रखें तीन टाइप की एनर्जी फ्लूइड में रहती है। पहली है प्रेशर एनर्जी, जिसको कहते हैं पी अपॉन रो जी। दूसरा रहता है काइनेटिक एनर्जी, वी स्क्वेयर अपॉन ट्वाई जी। आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर रहता है, उससे ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला एम जी एच है। तो एम जी को कॉमन निकल के सिर्फ जेड, और एच को यहाँ पे जेड से इंडिकेट किया है। तो टोटल एनर्जी कितनी रहती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों की अगर एडिशन समेशन अगर हम करते हैं
गुना करते हैं तो उसको हमको हाँ उसको हम बोलेंगे टोटल एनर्जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है स्टेट बर्नौलीज थ्योरम एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म, व्हाट इज इट्स एप्लीकेबिलिटी, स्टेट फोर लिमिटेशन, 4 मार्क के लिए पूछा है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि पहले हमने टोटल एनर्जी पढ़ा कि टोटल एनर्जी, वो बोलता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बर्नौलीज थ्योरम स्टेट दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल, आइडियल के लिए बोल रहे हो, एन इनकॉम्प्रेसिबल, जो फ्लूइड कॉम्प्रेस नहीं होता है, मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, आइडियल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो इसका कहना क्या है कि भाई टोटल जो एनर्जी रहती है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, किसके लिए, पहले तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो इसके तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो टोटल एनर्जी हमने पहले भगा पहले ही देखा कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम रहता है या गुना रहता है। ठीक है, तो इसके लिए एजम्पशन है बर्नौलीज की जैसे कि डेंसिटी कांस्टेंट चाहिए। तो पहला एजम्पशन क्या है कि द फ्लूइड इज आइडियल, मतलब आइडियल हमने पहले ही लेक्चर में फ्लूइड के देखा था कि उसकी विस्कोसिटी जीरो, तो ऐसा फ्लूइड कोई रहता नहीं है, इसलिए उसको एजम्पशन कहते हैं। दूसरा, द फ्लो इज स्टेडी, स्टेडी मतलब जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए या उसके फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो है जैसे प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होनी चाहिए। तीसरी, फ्लो इज इनकॉम्प्रेसिबल, तो जो फ्लूइड है वो इनकॉम्प्रेसिबल चाहिए। द फ्लो इज इरोटेशनल, मतलब वो पार्टिकल खुद के अराउंड रोटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। और फिफ्थ वन, ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस आर ओनली कंसिडर, ये दोनों ही फोर्सेस हम कंसिडर करते हैं। तो एप्लीकेशन किया तो हमको, तो देखो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी सेक्शन वन में जितनी होगी उतनी सेक्शन टू में होगी। तो यहाँ पे दो सेक्शन दिखाए गए, ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, तो दोनों की टोटल एनर्जी सेम है, इसलिए यहाँ पे जो ये दिखाया गया है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पी वन अपॉन रो जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टॉय जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन रो जी प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टॉय जी प्लस जेड टू, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इसको सिर्फ, तो उसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आएगा, बर्नौलीज इक्वेशन इज यूज टू फाइंड प्रेशर। एप्लीकेशन देखो, आप प्रेशर निकाल सकते हैं कि सेक्शन वन में इतना था तो सेक्शन टू में कितना रहेगा, वेलोसिटी निकाल सकते हैं सेक्शन वन में इतनी थी तो सेक्शन टू में कितनी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं, प्रेशर फ्लो थ्रू द नोजल, वेलोसिटी फ्लो थ्रू साइफोन। और बर्नौलीज प्रिंसिपल कहाँ यूज़ होता है, तो तीन डिवाइसेस मेनली आपके जो सिलेबस में है, पहली है वेंचुरीमीटर, दूसरी है ओरिफिस मीटर और तीसरी है पिटर ट्यूब। ठीक है, तो अगले, और लिमिटेशन क्या है कि ये ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल फ्लूइड एंड फ्रिक्शन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये और है, लॉसेस आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, नॉट एप्लीकेबल फॉर अनस्टेडी फ्लो एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर इरोटेशनल फ्लो। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो डिवाइसेस हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, और कमेंट, आपकी कमेंट आया क्वेश्चन हमें ज़रूर लिखें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।